E aí हेलो दोस्तों नमस्कार राधे राधे कैसे हो आप सब लोग मैं निशा और मेरी ब्लेज लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे खुश होंगे मस्त होंगे तो हो गई है हमारी शाम की शुरुआत शाम की शुरुआत मतलब नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूं समय अभी तीन से साढ़े तीन बजने वाला है और अभी हम आ गए हैं छत पर और आजकल हमारा रूटीन ऐसा हुआ पड़ा है कि सुबह से शाम क्या हो रहा है क्या काम मतलब आजकल पूरा रूटीन ख़राब हुआ पड़ा है ना आपसे कोई बातें हो पा रही है ना कोई ब्लॉगिंग हो पा रही है ना कोई वीडियो अपलोड हो पा रहा है ना घर के काम ही हो पाया है मतलब सारा कुछ रूटीन ख़राब हुआ पड़ा है इस चक्कर में सारा ऐसे ही चल रहा है क्योंकि अभी घर पे आ गया है बहुत ज़्यादा काम और जैसे कि आप लोगों को पता ही है हम सदस्य ढाई लोग हैं घर पर मैं दक्षु की भापा और एक दक्षु दक्षु रानी तो आपको बताइए काम तो करती है पर बढ़ाती ज़्यादा है और अभी ऐसा काम गांव में आया हुआ है आ, फसल का जब अब कोई भी जब गेहूँ कटाई हो धान कटाई हो घर पे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और इस टाइम क्या होता है ना ऐसा लगता है कि यार घर पे और लोग होते तो और अच्छी बात होती है हर घर पे मतलब काम आता है ना तो सबको ऐसे लगता है शायद और लोग होते हमारे घर पे तब ठीक था और खाली में सोचते हैं अरे हम दो ही लोग सही है यही होता है क्योंकि काम कुछ ज़्यादा हो जाता है वही हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान बाहर का करे कि घर का भी करे तो डबल हो जाता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो यही अभी हमारे यहाँ पे हो रहा है दक्षुकी जो पापा को ड्यूटी भी मतलब बाहर भी काम करने को जाना होता है और घर का भी करना पड़ता है क्योंकि खेत हम मदद तो कर सकते हैं लेकिन अकेले खेत में भी नहीं जा सकते हैं तो उनको ना आजकल बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है जाते हैं फिर आ कर घर पर ही भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम उनको हो जाता है तो पर क्या करें करना तो भाई काम तो थोड़े दिन का ही है दस से पंद्रह दिन का मान लो एक महीने का लेकिन बिल्कुल उसमें ना बहुत हालत खराब हो जाती है और धान के काम में और ज्यादा क्योंकि आजकल क्या है मस, जो अंदर खेत है वहाँ पे मशीन नहीं आ पा रही है तो हाथ से ही काटना पड़ रहा है तो ये भी हमारे यहाँ चल रहा है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा धान के हम खेत से लाते जा रहे हैं और उसको निकालते जा रहे हैं और थोड़ा सुखा के सला के मतलब धीरे धीरे यही हम काम ही कर रहे हैं तो यहाँ छत और नीचे जो आंगन में ना जगह बहुत ज़्यादा कम है और कि धान सुखाएं, कि सैलाएं, कि ट्रैक्टर खड़ा करें, कि गाड़ी खड़ा करें। आपको तो अब आप पता ही है कि हमारे हमारा घर आपने देखा ही है कि ज़्यादा जगह नहीं है थोड़ा थोड़ी सी जगह है तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है तो मैंने कहा छत में ही ये काम कर लेते हैं और खाना बनने से पहले क्योंकि आज ड्यूटी भी है उनकी तो सात सात साढ़े सात बजे वो चले जाते हैं तो छः बजे से पहले पहले मैंने कहा यहाँ सिलाई का काम ख़त्म कर दी थी तो यहाँ थक भी बहुत ज़्यादा गई थी दक्षिण यहाँ पानी दे गई थी मुझे तो यहाँ पानी भी पी लिया है और यहाँ सिलाई का काम ख़त्म कर दिया और बिल्कुल दिन ना छुपने में ही आ रहा था मैंने सिलाई का काम जल्दी जल्दी पूरा करा और छत में धूप भी बहुत ज़्यादा आ रही थी ऐसे करते करते दिन ढल गया है और यहाँ हमने जो धान हम थूटते जा रहे हैं खेत से लाते जा रहे हैं जो हमारे खाने वाला धान है जो पतला धान होता है तो उसको हमने क्या थोड़ा सा लाते हैं काट के और उसको फिर थुरते हैं मैं नहीं थुरती हूँ मतलब वही थूटते हैं उसको हम क्या करते हैं सूखने के लिए रख देते हैं तो इसको मैं मैंने कहा ये भी काम निपटा देती हूँ क्योंकि बादल बादल आ जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत लगने लगती है तो इसकी मैं पूरा बांध देती हूँ तो आजकल आप बताइए आपके वहाँ पर क्या काम धाम चल रहे हैं वैसे तो यही चल रहा होगा गाँव आप अगर गाँव से बिलोंग करते होंगे तो यही काम चल रहा होगा क्योंकि ये गाँव में तो यही चल रहा है अभी धान कटाई चल रही ले। है लेकिन ये कोई कटाई करता है कोई नहीं करता है कोई सब मशीन चलवा देता है तो उनके वहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है बस जो धान सुखाने उखाने का ही काम रहता है बस एक दिन जाओ ट्रैक्टर ट्राली लेके कट जाता है भैया ले आओ नहीं तो बेचो ऐसा होता है लेकिन जब कोई कोई खेत ऐसे होते हैं कि अंदर होते हैं दिक्कतें हो जाती हैं तो और लोग नहीं होते हैं काम में तो और ज़्यादा दिक्कत हो हो जाती है मुझे अब जाना है जाके मैं खाना बनाऊँगी और यहाँ पे फटाफट से अपने पूरे बांध लेती हूँ उसके बाद देखते हैं क्या करना है यहाँ पे पूरे बांध दिए हैं और जो फिर से कच्चा धान लेके आए थे इसको भी सूखने डाल देते हैं कल तक ये भी सूख जाएगा फिर इसको भी बांध देंगे तो ऐसे ही धीरे धीरे काम निपटाते हैं और आजकल आपको पता ये दो तीन महीने से तो आपको क्या ही कहें सब कुछ बेकार हुआ पड़ा है जो एक दो साल से चल रहा था उसका सिस्टम ही बेकार हो गया है मतलब बिल्कुल दिमाग ही मेरा तो मुझे समझ में नहीं आता मैं सोचती हूँ चलो कल कुछ बना के डाल दूंगी परसों कल आज आज आज, आज ऐसे करते करते आपको पता ही है इतने दो तीन महीने हो गए हैं तीन महीनों से बिल्कुल रूटीन ही ख़राब चल रहा है उसके बाद छत का काम निपटा के मैं ही नीचे उसके बाद मैं कूड़ा फेंकने के लिए और दिन बिल्कुल ढल ही गया है और उसके बाद में थोड़ा सा घुया के पत्ते थे अरबी के पत्ते मैंने कहा इसको ही कॉफ़ी बना लूंगी और क्योंकि सब्ज़ी भी बनाना दाल ही बनाना खाना ही बनाना देर हो जाती तो अरबी के पत्ते तोड़ के ले आई थी उसको भी मैं आलू और दाल के साथ कॉफ़ी बना लूँगी तो यहाँ मैंने मसूर की दाल धुल ली है और जो छोटे छोटे पत्ते थे उनको भी धुल लिया है इसको मैंने काट के डाल दूँगी और तेल थोड़ा सा तेल डाल के नमक हल्दी डाल के इसमें दो चार पाँच छः सीटी लगा के इसमें अच्छा सा तड़का लगा लेंगे अच्छी लगती है खाने में और इमरजेंसी में जब कुछ ना हो तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है और आलू डाल दो तो सब्जी की भी कमी पूरी हो जाती है तो यही सबसे फटाफट वाला ना ये खाना है और दाल में जैसे घुइया के पत्ते हुए या घुइया ही हुई लौकी हुई तो ये इमरजेंसी वाले खाने हैं और लगते भी अच्छे हैं तो यहाँ पे लगा जल्दी जल्दी बना लेते हैं खाना क्योंकि लोगों का टाइम हो रहा है ड्यूटी जाने का और बच्चों को होमवर्क भी कराना है लेकिन वो भी गायब हो गई है तो उसको बुलाते हैं फटाफट से और थोड़ा काम भी करते हैं और उसको होमवर्क भी कराते हैं क्योंकि ये लड़की लड़की बस इसकी गलती भी नहीं है हमारे ही गलती क्योंकि हम दिन भर घर पे नहीं रहते हैं तो ये अकेले होमवर्क करती नहीं है तो इसको शाम को ही बिठाते हैं हम भी खाना पीना करते रहते हैं और इसको भी काम कराते रहते हैं तो यहाँ पे लड़की बेटी हमारी होमवर्क कर लेती है और यहाँ पे हम तड़का बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं चावल मैंने चढ़ा दिया है और बस इसमें तड़का मतलब सीटी भी लग गई हमारी दाल में और इसमें प्याज मिर्च मिर्च का चटपटा वाला तड़का लगा लेते हैं और आ जाइए भैया हमारे भुइया के पत्तों की मज़ेदार कॉफ़ी किताब मतलब कॉफ़ी खाने के लिए हम कॉफ़ी बोलते हैं वैसे तो भुइया के पत्ते की डाली हुई तो यहाँ तड़का लगा लेते हैं और फटाफट से खाना खा लेते हैं आप सब तो आप और, थोड़ा काम, थोड़ा काम और काम तो बहुत ज्यादा सच्ची बताऊ तो दक्षिण ड्यूटी चले गए दक्ष और मैं दक्षु भी ताई के वहां पे गई उसने कल बिस्तर लगा दो और बिस्तर में जब भी आती हो ना मेरा इतना दिमाग खराब रहता है ना कभी मुझे साफ सुथरा बिस्तर मिलता ही नहीं है क्योंकि सुबह से जो कपड़े धोए हुए होते हैं तो शाम को ये हमारे जो पतिदेव जी हैं वो कपड़े उठाते हैं और बेड में रख देते हैं या मैं भी जाती हूँ तो कपड़े लेके आती हूँ और रख देती हूँ तो एमरजेंसी में टाइम इतना होता नहीं कि फोल्ड करके रखें तो जब सोने के लिए आते हैं बिस्तर का हाल देख के ना सच्ची में बड़ा दिमाग खराब होता है और बिल्कुल मन नहीं करता एक मन कर रहा है उनको उठाऊँ और साइड में रख दूँ बाद में कर लूँ बाद में मन नहीं करता है तो अभी साढ़े आठ बजे सोने का टाइम तो नहीं हुआ है लेकिन आजकल लोग सारे लोग काम में लगे रहते हैं धान के तो सब लोग जल्दी ही लेट जाते हैं कोई बाहर नहीं दिख रहा है कोई खाना खा रहा है कोई टीवी देख रहा है लेकिन सब अपने अपने बिस्तर में बैठ गए हैं आराम से कोई बातें कर रहा है तो बस यही चल रहा है और हम भी तो कोई है नहीं तो हम भी चलाएंगे अभी टीवी और सबसे पहले करेंगे बिस्तर साफ उस पर आज हम अंदर ही सोने वाले हैं क्योंकि नहीं तो हम बरामदे में सोते हैं तो जल्दी से बिस्तर साफ कर लेती हूँ और बिस्तर लगाते दक्षु की भी नींद आ रही है क्योंकि तो उससे भी जल्दी उठना होता है और सुबह फिर नाश्ता वास्ता बनाते हैं तो आज का ब्लॉग बस ऐसे ही था और दोपहर से मैंने ब्लॉग चालू करा था तो छोटा मोटा ब्लॉग है तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अभी बहुत सारा सपोर्ट भी दीजिएगा तो अभी हम अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ तभी के लिए नमस्ते राधे राधे